सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर, यहाँ पे मेरे पास है iQOO Z9X और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे iQOO Z9X में मल्टीपल तरीका स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का। इसके अलावा एस कैप्चर का एक फीचर मिलता है जिसके हेल्प से आप पार्शियल स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, अलग अलग शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग स्क्रीनशॉट iQOO Z9X में किस तरीके से कैप्चर करना है वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका, जिसमें आप पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ इस तरीके से प्रेस करेंगे एंड आप स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट iQOO Z9X में जो सबसे बेस्ट तरीका है या सबसे कन्वीनियंट तरीका है स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, जिसके लिए आपको 3 फिंगर से इस तरीके से स्वाइप डाउन करना है एंड आप स्क्रीनशॉट जो है वो क्विकली कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम प्ले स्टोर ओपन करें एंड यहाँ पे 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो गया। अब अगर आपके iQOO Z9X में ये 3 फिंगर स्क्रीनशॉट फीचर इनेबल्ड नहीं है, ऐसे तो ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, तो फिर आप जो है ना सेटिंग में आ जाइएगा। सेटिंग में आप आइएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में, एस कैप्चर में, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्लाइड डाउन विद 3 फिंगर्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट, इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट अगर आपको अपने iQOO Z9X में लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो वैसे पेज जहां पे स्क्रॉलिंग अवेलेबल है वहां पे आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिएगा, यहां पे आपको जो है ना फ्लोटिंग विंडो में लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा। वापस से हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट पे टैप करते हैं और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपका स्क्रीन जो है वो स्लाइड हो रहा है। अगर आप स्लाइड नहीं करना चाहते हैं तो जितना एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना आप मैन्युअली जो है ना इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे सेव वाले बटन पे टैप कर दीजिएगा तो इस तरीके से आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पे हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं बिकॉज प्ले स्टोर पे जो है ना काफी ज्यादा स्क्रॉलिंग रहता है। तो अब यहाँ पे हम एक बार लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट पे टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है ना इस तरीके से ये स्लाइड हो रहा है। जितना लंबा आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है उतना देर तक आप इसको स्लाइड होने दीजिए। एक बार जब आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट कवर हो जाए तो आप यहाँ पे सेव के ऊपर टैप कर दीजिएगा एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफी लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी आप कैप्चर कर सकते हैं। iQOO Z9X में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का जो नेक्स्ट तरीका है उसके लिए अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग में आपको आना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में एंड यहाँ पे जो है ना आपको इजी टच का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करना है। इजी टच को आपको इनेबल करना है, इससे एक इजी टच बटन जो है ना वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे भी आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके जो है ना जिस भी पेज पे है उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं एंड ये इजी टच वाला जो बटन है ना ये स्क्रीनशॉट में कैप्चर नहीं होगा। अब ये जो इजी टच का बटन है इसके ऊपर आप टैप करते हैं, कंप्लीट मेन्यू ओपन होता है, इसमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करके आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि इस इजी टच बटन पे सिंगल टैप, डबल टैप या प्रेस एंड होल्ड करके आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाएं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजी टच के सेटिंग में ही जो है ना यहाँ पे आपको सिंगल टैप, डबल टैप एंड टैप एंड होल्ड का ऑप्शन मिलता है। सिंगल टैप पे ओपन मेन्यू का फंक्शन असाइन रहता है, इसीलिए हम लोग जब इजी टच पे टैप करते हैं ना तो इस तरीके से एक मेन्यू ओपन हो जाता है। बट अगर आप कंप्लीट मेन्यू को यूज नहीं करना चाहते हैं, सिंगल टैप से ही आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहते हैं तो इस टैप वाले फंक्शन के ऊपर टैप कीजिएगा एंड यहां से जो है ना आप ओपन मेन्यू की जगह पे स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम इजी टच बटन के ऊपर इस तरीके से टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। किसी भी स्क्रीन पे हो हम सिंपली यहां पे इस तरीके से टैप करेंगे एंड स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको डबल टैप का भी ऑप्शन मिलता है एंड टैप एंड होल्ड का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहें तो डबल टैप के ऊपर भी स्क्रीनशॉट का फंक्शन असाइन कर सकते हैं या फिर टैप एंड होल्ड के थ्रू भी आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आपको अपने iQOO Z9X में पार्शियल स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है या अलग अलग शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो उसके लिए जो है आपको कंट्रोल सेंटर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एस कैप्चर का एक स्विच मिलता है, इसके ऊपर टैप करना है, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, तो इस तरीके से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं जो आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। इसके बाद इसी एस कैप्चर मेन्यू में आपको रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके इस तरीके से ड्रैग करके जो है ना आप रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं एंड इसको सेव कर लीजिएगा गैलरी में, जो है ना आपका इस तरीके का स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का स्क्रीनशॉट जो है वो सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आपको जो है ना एस कैप्चर मेन्यू को वापस से ओपन करना है। यहां पे आपको एक फनी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करेंगे। सबसे पहले आपको शेप्ड स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करने पे यहाँ पे आपको अलग अलग शेप देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी शेप का आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हो वो शेप आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम हार्ट शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि हार्ट शेप ओपन हो गया और उसके बाद जो है ना आप इस तरीके से इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर रोटेट करना चाहें तो आप इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं। एक बार जब आप इसको प्रॉपरली सेट कर लें, सेव पे टैप कर देंगे तो इस तरीके से जो है ना आपका हार्ट शेप का स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगा। सेव कर देंगे तो ये आपके फोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। इसी तरीके से शेप स्क्रीनशॉट पर टैप करके आप अलग अलग शेप का स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको लैसो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो
आप एक क्लोज्ड शेप जो है ना अपने से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ना उसी शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। सेव पे टैप करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि जो भी क्लोज्ड शेप आप ड्रॉ करेंगे उस शेप का स्क्रीनशॉट आप इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। सेव कर लेंगे तो वो गैलरी में सेव हो जाएगा। अब लास्ट यहाँ पे एक बार और हम एस कैप्चर मेन्यू ओपन कर लेते हैं फनी स्क्रीनशॉट में। लास्ट यहाँ पे आपको डूडल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप कुछ भी टेक्स्ट इस तरीके से लिख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी आप डूडल क्रिएट करेंगे, वो सब जो है ना इस तरीके से स्क्रीनशॉट के फॉर्म में कैप्चर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और इसको जो है ना आप सेव कर सकते हैं गैलरी में। अब लास्ट यहाँ पे अगर हम स्क्रीनशॉट में एडिटिंग का ऑप्शन देखें तो क्विकली हम एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करते हैं, एडिट के ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर में आपको रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप रिजोल्यूशन को कम कर सकते हैं, इमेज का या स्क्रीनशॉट का जो क्वालिटी है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि जो स्क्रीनशॉट का साइज है वो आप रिड्यूस कर पाएं। इसके बाद शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, फ्रेमिंग का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप स्क्रीनशॉट को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, अलग अलग शेप में आप जो है ना इसको क्रॉप कर सकते हैं, कुछ कस्टम यहाँ पे प्रीसेट मिल जाता है शेप का, या फिर आप इस तरीके से भी इसको क्रॉप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डूडल का ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ पे जो है ना आपको अलग अलग टाइप के पेन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरीके से अगर आप कुछ एनोटेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मार्क का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप अलग अलग टाइप का शेप जो है वो अपने स्क्रीनशॉट पे ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो तो आप टेक्स्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मोजैक का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट पे किसी पार्ट को हाइड करना है, ब्लर करना है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ना आप हाइड कर सकते हैं या ब्लर कर सकते हैं, मोजैक जो है वो ऐड कर सकते हैं। एंड मोजैक में भी आपको यहाँ पे काफी सारा अलग अलग टाइप का ऑप्शन मिल जाता है। लास्ट यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको जो है ना कुछ स्टिकर मिलता है, अगर आपको इन स्टिकर्स को अपने स्क्रीनशॉट पे ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। एंड इस राइट के टिक पे टैप करके जो है ना आप स्क्रीनशॉट को अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था iQOO Z9X में मल्टीपल तरीका स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का। इसके अलावा स्क्रीनशॉट से रिलेटेड जो भी फीचर्स था वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जहां से आप iQOO Z9X परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी इस फोन के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।